हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब ये है, ये आपने पढ़ना नहीं है प्लीज, पहले तो ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं पढ़नी आपने, आपने बस ये डायग्राम देखना है। डायग्राम ये कहता है कि अगर ये वेसल है जिसमें एच हाइट तक लिक्विड है, अगर ये वेसल है एच हाइट तक लिक्विड है, और अगर ये वेसल है एच हाइट तक लिक्विड है, और नीचे प्रेशर मेजर करने की मशीन है, और सपोज करो मैं एक और एक कुछ इस टाइप का वेसल ले आता हूँ ऐसा, और एच हाइट तक लिक्विड है, ये भी प्रेशर को मेजर करना है, तो इसकी शेप थोड़ी खुली सी है, इसकी सीधी है, इसकी टाइट है, इसकी गोलमोल सी है, लेकिन हाइट क्या है लिक्विड की सब में एग्जैक्टली सेम है, तो प्रेशर जो नीचे कैलकुलेट आएगा, प्रेशर का डिफरेंस, वो एग्जैक्टली सब में क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम, इररिस्पेक्टिव कि उसका शेप क्या था वेसल का, वॉल्यूम मैटर नहीं करता, इसमें कुछ नहीं मैटर करेगा, इसमें हाइट मैटर करती है, क्यों, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस P2 - P1 किस पे डिपेंडेंट है, एच रो जी, सिर्फ हाइट। अब एक चीज देखो इसके अंदर, एक और रिजल्ट सुनो, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सपोज करो मैं आपसे ये बोलता हूं कि ठीक है, एक मान लो एक वेसल है, आप मुझे ये बताओ कि अगर दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और दोनों के बीच में हाइट क्या है, एच, तो बोलो प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा यहां पर, एच रो जी, सिंपल, या फिर बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, एच रो जी, हमने किया एच रो जी। अगर ये वेसल बड़ा होता तो भी, और हाइट रिमेनिंग भी सेम, तो भी आंसर क्या आता, इंक्रीज इन प्रेशर, एच रो जी। अगर ये वेसल बिल्कुल ही पतला होता लेकिन हाइट ऑफ द लिक्विड इसमें भी क्या होती, सेम, तो इंक्रीज इन प्रेशर फिर से क्या आ जाता, एच रो जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाइट आपका वेसल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हाइट लिक्विड की सेम है तो बेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। तो जब आप एच रो जी निकालते हो तो कई लोग सोचते हैं कि पूरे फ्लोर के ऊपर प्रेशर आ गया, नहीं, फ्लोर के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू विल रिमेन सेम। ये पॉइंट का प्रेशर है, ऐसा फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो प्रेशर इंक्रीज क्या आएगा, एच रो जी, एच रो जी, एच रो जी, और एच रो जी आएगा, चाहे वेसल छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, गोल हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, खुला हो, बंद हो, अगर हाइट एच है तो एच रो जी ही आएगा। ये पैराडॉक्स है जो आपको क्लियर करना है, मतलब ऐसा लगता नहीं है, देखने में लगता है कि वॉल्यूम ज्यादा होगा कम होगा, वेट ज्यादा कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट रिमेनिंग द सेम, आंसर विल बी सेम। क्लियर है यहां तक, ये पैराडॉक्स है जो क्लियर करना है।